हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा। अभी जाइए, इन दोनों को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सबसे बड़ा बलवान समय। यानी जो आजकल के टाइम जो सबसे ज्यादा ताकतवर बोलते हैं वो समय है हमारे, क्योंकि जो व्यक्ति समय का उपयोग करेगा वही व्यक्ति आगे के जीवन में सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, सबसे बड़ा बलवान जो है वह समय है आजकल के दौर में। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आजकल का जो टाइम है काफी भाग दौड़ भरा है। हर व्यक्ति अपने अपने लाइफ में बिजी है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई काम है। चाहे वो, अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो उसके पास अपना अलग काम है, चाहे हम जॉब करने वाले बंदे की बात करें, चाहे हम वर्किंग लेडीज की बात करें, हर व्यक्ति के पास अपना अपना काम है। स्टूडेंट को अगर हम बात करें तो चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना पढ़ता हो, उसको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, टेस्ट की तैयारी करनी है, होमवर्क करने हैं, प्रोजेक्ट बनाने हैं, जो भी असाइनमेंट मिलता है उसको कंप्लीट करना है। और यही सारी चीज़ें पहले, मतलब छोटे क्लास में भी होती है और बड़े क्लास में भी होती ही है। मतलब इस तरीके से जो बंदे जॉब पर जाके काम करते हैं उनकी लाइफ में भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जॉब पर जाना, मीटिंग्स अटेंड करना, मीटिंग की तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, फाइलिंग वर्क करना, जो भी वो काम करते हैं उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बिजी रहते हैं। मतलब फॉलोअप करना, कॉलिंग करना, इस तरीके से जो घर में काम करती हैं वर्किंग लेडीज, वो भी सुबह से लेके शाम तक किसी ना किसी, मतलब सुबह उठकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर ब्रेकफास्ट सुबह का रेडी करना, दोपहर का लंच तैयार करना, रात का डिनर तैयार करना, कपड़े वगैरह धोना, घर की सफाई करना, मतलब एक के बाद एक काम हमेशा लाइन में लगा ही रहता है। इस तरीके से मतलब हर व्यक्ति के, है मतलब हर व्यक्ति के लाइफ में अपना अपना काम रहता ही है। मतलब और हम इस वर्ल्ड में भी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति, मतलब जब कोई काम करता है, मतलब तो उस काम को करने से पहले आप देखते हो, मतलब कि जो भी आप काम करने वाले हो उसमें एक्सपेक्ट कितना टाइम लगेगा। कोई किसी किसी काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, किसी के थोड़ा टाइम लगता है। तो और कई बंदे ऐसे भी होते हैं, मतलब जो काम होता है उसको टाइम पर कंप्लीट करते हैं। और लेकिन कई बंदे ऐसे होते हैं, मतलब जो जब उनको अगर कोई काम किसी एक पीरियड के टाइम में कंप्लीट करना होता है, मतलब कि आपको अगर जैसे कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है कि आपको ये काम एक हफ्ते में करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो स्टूडेंट की लाइफ में अगर बात करें तो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपने देखा होगा जो एग्जाम वगैरह होता है, एक हाफ ईयरली होता है, एक एनुअल एग्जाम होता है, उसके बीच में टेस्ट वगैरह भी होता है। तो जो स्टूडेंट वगैरह प्रिपरेशन करते हैं, मतलब उनको लगता है कि फाइनल मार्क्स तो हमारे मतलब एनुअल एग्जाम के ही होंगे उसके, तो उसको हम जब उसका जो प्रिपरेशन वगैरह होगा उसको हम उस टाइम करेंगे जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा, उसके पहले उतना उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते एग्जाम को लेकर। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस होता है, SST होता है, इंग्लिश, मैथ, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, संस्कृत होता है। मतलब तो कहने, मतलब जब स्टूडेंट के तौर पर अगर हम बात करें तो जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो वो सोचता है कि अरे हमारा भी एग्जाम में तो बहुत टाइम है, और अभी एग्जाम है उसको तो हम तैयारी कर ही लेंगे, लेकिन जो फाइनल जो 100 मार्क्स का होगा एनुअल एग्जाम उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी तो बहुत टाइम है, हम उसकी भी तैयारी कर लेंगे। तो इस तरीके से, लेकिन आपको पता ही होगा जब आप अगर आप उस चीज समय का उपयोग नहीं करोगे, मतलब जैसे आप वेट कर रहे हो कि हम तो एंड में तैयारी करेंगे, और उसके पहले जो आपको बीच का टाइम है उस टाइम इसको आप प्रिपरेशन करो, अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन जो बंदे सोचते हैं जिसको हम एंड में बिल्कुल तैयारी करेंगे, तो उससे पहले क्या होता है कि आप दूसरी चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हो जो अनयूजफुल होता है आपके मतलब फ्यूचर के लिए। जैसे कई बच्चे आजकल के टाइम में जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, मतलब तो गेम खेलते हैं तो आप एग्जाम पास नहीं हो जाओगे, या दूसरे बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं, मतलब फ़ोन में ही लगे रहते हैं, अलग चीज़ों के बारे में मतलब दूसरी चीज़ें देखते हैं, मूवीज़ वगैरह हो गया या सॉन्ग्स वगैरह हो गया। तो ये चीज़ें, क्योंकि आपको जो वो जो स्टूडेंट वाली लाइफ है वो आपको स्टडी करके लाइफ, अपने स्टडी करने के बाद आपको अच्छे मार्क्स लाना है। अच्छे मार्क्स लाओगे तभी आप सिर्फ पास होने काफ़ी नहीं होता है किसी भी क्लास में, मतलब पास होने के साथ साथ आपको अच्छे मार्क्स भी लाने पढ़ते हैं। मतलब तो आप जब
अच्छे मार्क्स कैसे लाओगे? टाइम का सदुपयोग करके, मतलब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो आजकल के टाइम जो पावरफुल वो टाइम है। जो व्यक्ति टाइम का सदुपयोग करके मतलब अपना करंट टाइम को यूज करता है अच्छे अच्छी चीज़ों पर, अच्छे अच्छी चीज़ों को देखने में, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में देखना, इतिहास हमारे कैसा था, या चलो आप अगर सब्जेक्ट अगर आपका वो सब्जेक्ट है तो आपको जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो वो तो चलो एंड में जो एग्जाम है उसके पहले उसकी हर सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग टॉपिक्स है, हर टॉपिक अलग अलग सेक्शंस वगैरह हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को पूरा बेटर करना है। मतलब जैसे ज़्यादातर लोगों को मैथ और साइंस टफ लगता है क्योंकि मैथ में हर व्यक्ति को डर लगता है, वीक होता है, और साइंस में बहुत लोगों को टफ लगता है क्योंकि इसमें केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है, तो उतना ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा आपको माइंड लगाना पड़ता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। तो इन माइंड आप कब लगाओगे? जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, उन सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे, उनको लर्न करोगे, और ये तब आपको जब बोलते हैं ना कि अगर आपको फाइनल खेलना है अच्छे से मतलब, तो आपको जो उसकी प्रैक्टिस आपको पहले ही स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि आप एंड में पोट कर छक्के चौके मारोगे मतलब, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। हाँ, जो मतलब हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनका माइंड काफ़ी शार्प होता है, लेकिन आप ये भी देखो क्लास के अंदर हर बंदा तो फर्स्ट नहीं आता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टॉप 10 ऐसे ही होता है मतलब, लेकिन हर बंदे के सेम मार्क्स तो नहीं आते। तो कहने का मतलब कुछ बच्चे होते होंगे कि मतलब स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जो एंड में जाके भी बहुत अच्छे से भी थोड़ा बहुत भी टाइम देंगे तो वो अच्छा मार्क्स ले आते हैं क्योंकि उनका कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो बंदे भी पहले से भी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। तो कहने का मतलब आपको फाइनली अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं क्योंकि आगे जाके जैसे अभी आप क्लास के अंदर हो 6, 7, 8 या 9, 10, तो 10th में आपके जब अच्छे मार्क्स वगैरह आएंगे तभी आपको आगे का जो आपको 3 स्ट्रीम लेना पड़ता है। जैसे भारत जैसे देश में हम जब 10वीं क्लास पास करते हैं तो हमें 3 आगे रखकर 3 स्ट्रीम वाले साइड्स मिलते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट। साइंस और आर्ट इजीली मिल जाता है, लेकिन कॉमर्स जो होता है उसके लिए आपको 70-80 से ऊपर लेके चलना पड़ता है, मतलब जाके आपको कॉमर्स मिलता है, लेकिन आर्ट और साइंस आपको इजीली मिल जाया करता है। तो कहने मतलब आप अच्छे मतलब लाओगे तभी आप आगे वाले आप जो लेना चाहते हैं उसको लेके कर सकते हो। और इस तरीके से जो बंदे रेगुलर कॉलेज भी पढ़ते हैं उनमें भी आपको 70-80% लेकर आना पड़ता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा आपको मेहनत करने से। मेहनत कब आपको कब करना पड़ेगा? जो आप टाइम का अच्छे से उपयोग करोगे मतलब, क्योंकि जब आपके 12th स्टैंडर्ड में जिसमें आपके पास डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आर्ट साइड से बात करें तो लोगों के पास इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, तो इस तरीके से मैं भी आर्ट साइड ही लिया था मतलब। तो लेकिन मैं 12th और जब मैं 12th में आर्ट्स मतलब 12th में आर्ट साइड लिया था, 11th-12th में आर्ट साइड लेके पढ़ रहा था, तो मैंने 76 अबव लेके आया था मतलब जब मैं अपने 12th क्लास में था। तो उस टाइम जब मैं 76% है तो मेरा इजिली दिल्ली के PGDV कॉलेज में सेकंड कॉलेज में मेरा नाम आ गया। फिर मेरे वहीं से अपनी पूरी जो मेरी ग्रेजुएशन थी मैंने फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट की वहाँ से। तो कहना है मतलब जो कॉलेज की लाइफ भी होती है ना, हर व्यक्ति की मतलब किस्मत में नहीं होता, क्योंकि हर स्टूडेंट तो 70-80 नहीं लेके आ पाता है मतलब, जो वहाँ पे और जो कॉलेज में बंदा पहुँचता भी है वही वो सारे सारे टॉपर ही होते हैं, क्योंकि जो 70-80 से पाते हैं वही कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं और वो कॉलेज की लाइफ जो रेगुलर कॉलेज वाली लाइफ होते देख पाते हैं। बाकी उनके 60-65 से नीचे आते हैं वो तो फिर उनको ओपन से ही करना पड़ता है, और 60% में कोई आपको कोई एक प्रोत्साहन या कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि हाँ बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा कुछ कर लिया, कि फिर तो आपको ओपन से करना पड़ेगा और साल में एक बार एग्जाम होगा, आपको उसके जाके एग्जाम देना पड़ेगा। और जो बंदे रेगुलर पढ़ते हैं उसमें उसकी तो रेगुलर कॉलेज की तो बात ही अलग होती है, सुबह जाना कॉलेज में मतलब अलग आपकी क्लासें होती हैं, अलग अलग लेक्चरर आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, आपको अच्छी चीज़ों को समझाते हैं। 7-8 घंटे का कॉलेज सुबह से लेके मतलब जब मेरे कॉलेज में था तो मेरे सुबह 8 बजे से क्लास जो पहला लगता था मतलब 4 सब्जेक्ट होते हैं हर साल के अंदर मतलब, तो सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होती थी और 3:30 तक चलती थी। हालांकि मैं 4 सब्जेक्ट थे लेकिन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बीच में गैप दे के क्लासें होती हैं मतलब। तो रेगुलर कॉलेज का माहौल ही अलग है और उसकी जो खासियत ही अलग है। तो कहने का मतलब मैं आप सभी को ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप भी अच्छे मार्क्स लाओगे, सब्जेक्ट की पहले से प्रिपरेशन करोगे और टाइम को आप
टाइम को सदुपयोग करोगे, मतलब टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जो बंदा टाइम को समझेगा नहीं, उसका उपयोग नहीं करेगा, वो फिर दूसरे लोगों की रेस पे पीछे रह जाएगा। मतलब क्योंकि आजकल का जो टाइम है कॉम्पिटिशन वाला है, मतलब बंदे अच्छे मार्क्स ला कर भी आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब क्यों? क्योंकि आपसे भी बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंट बनते हैं वो आगे की तरफ आपसे बढ़ चुके होते हैं कहने का मतलब। तो आपको भी अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, टाइम का सदुपयोग करना होगा और टाइम को लेकर सीरियस रहना होगा, क्योंकि जो टाइम एक बार आपके लाइफ से निकल गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा मतलब। और जो एक बार टाइम चला गया तो फिर आप सिर्फ पछतावा ही करते रहोगे कि काश में ये सब। तब हमें पछतावा होता है जब हमारे फाइनल पेपर का एग्जाम दे रहे होते हो और बहुत सारा प्रेशर होता है कि नहीं इसके पहले तो 6 महीने हम डालते आ रहे थे कल कर लेंगे कल कर लेंगे, अभी तो इतना टाइम इतना टाइम है, और फिर एकदम से जब एग्जाम आ जाता है आपके पास फिर आप सोचते हो अरे अब क्या करूँ, इतने सब्जेक्ट्स हैं, फिर आप जल्दबाजी में उनके प्रिपरेशन करते हो, सही से प्रैक्टिस नहीं करते हो, सही से क्वेश्चन को सॉल्व वगैरह नहीं करते हो मतलब। तो जल्दबाजी में क्या होगा मतलब, तो आपने सही से उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को समझा ही नहीं, उनके आंसर को समझा ही नहीं, और आप उनको समझोगे नहीं तो आपके जब आप एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम की शीट और आपके पास आंसर शीट में लिखोगे क्वेश्चन क्वेश्चन और प्रश्नों को देखते हुए, तो आपने क्योंकि सही से प्रैक्टिस नहीं की, सही से याद नहीं किया, सही से आपने उन चीज़ों को समझा नहीं, तो आप उसको एक 100% कॉन्फिडेंस के साथ वो एग्जाम में उसका आंसर नहीं लिख पाओगे। हाँ कई सारे का आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा भी मतलब, लेकिन एक होता है वो उतना ही होंगे जितना से आप पास हो सको कहने का मतलब। तो आपको हर एक क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर आना चाहिए कि आप उसको कॉन्फिडेंसली आपको पता हो कि हाँ कॉन्फिडेंट के साथ पूरे विश्वास कि हाँ मैं इसका जो आंसर लिख रहा हूँ ये पूरा का पूरा सही है। और ये तभी होगा जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन और जो तैयारी है उसका पहले से ही स्टार्ट कर दो। जब आप जुलाई से एग्जाम मतलब जुलाई से स्कूल खुलते हैं तभी से, अगर आप बड़ी क्लास में हो 10th में हो या 12th में हो मतलब, तभी से आप सीरियस रहो कि हाँ मुझे एक टारगेट लेके चलो, मुझे 80% लाना है या 70% लेके आना है या 90% लेके आना है। आप जितना भी टारगेट लेके चलते हो उससे उसके लगभग आसपास ही आता है, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा आसपास ही आएगा। जैसे मैं जब 12th में था तो मेरा एक टारगेट था कि 80% लेके आऊँ, तो मेरे 76% आते हैं मतलब। तो अगर आप ये सो अगर आप 70 का लेके चलोगे 65 के आसपास आएगा आप, और 65 60 65 का लेके चलोगे तो 50 के आसपास आएगा मतलब। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 50 55 65 तक आपकी कोई लोग आपको एक प्रोत्साहन नहीं देते, अप्रिशिएट नहीं करते। 70 से ऊपर लेते लेके आते हो तो आपको एक फीलिंग आती है कि हाँ 70 70% मेरे मार्क्स है मतलब। दूसरा बंदा बोलता है इस बंदे के 70% मार्क्स है, तो ये सब वो बंदे के मार्क्स कैसे आए उस, क्योंकि उस स्टूडेंट ने उस छात्र ने अपना जो टाइम के महत्व को समझा, क्योंकि आजकल के टाइम में आजकल का जो दौर है उसमें समय ही सबसे बड़ा बलवान है। जो व्यक्ति आगे के सक्सेसफुल होता है वो टाइम का सदुपयोग करके सदुपयोग करता है, और जो भी बनना चाहता है उसके ऊपर वो वर्क करता है। और जो भी अगर स्टूडेंट के तौर पर अगर वो जो भी सब्जेक्ट में मतलब अच्छे मार्क्स लाना चाहता है तो वो उन सब्जेक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करता है कहने का मतलब। तो आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप अच्छे से उन चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, हार्डवर्क करोगे, फोकस करोगे, एफर्ट दोगे और पेशेंस रखोगे, और सबसे बड़ी चीज़ आप टाइम का सदुपयोग करोगे, क्योंकि टाइम आजकल के समय आजकल के टाइम सबसे बड़ा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा बलवान है, क्योंकि जो बंदा टाइम का यूज़ करता है वही आगे जीवन बढ़ सकता है, तो ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो समय के महत्व को समझो और आप जो भी तैयारी करनी है पहले से स्टार्ट कर दो मतलब। इस तरीके से जो बंदे जॉब भी करते हैं तो उनको भी कई सारे प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं कि आपको इतने टाइम तक इस चीज़ को कम्प्लीट करना है, तो वो मतलब कई सारे बंदे होते हैं जो होते हैं कल कर लेंगे कल कर लेंगे मतलब, जैसे मीटिंग वगैरह का अरेंजमेंट करना है। लेकिन कई बंदे फिर थोड़ा ढीले होते हैं तो मतलब उनको फिर एकदम से प्रेशर आ जाता है और प्रेशर के अंदर कोई भी काम ठीक नहीं हो पाता है। आप लोगों को भी बस जैसे मैं ऐसा ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग भी टाइम को समझो, क्योंकि टाइम क्योंकि आपने सोचा कि अरे वहाँ पर टाइम पहले उस टाइम होते थे पर्सनली कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है घर के अंदर मतलब, या कोई दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस टाइम उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यहाँ का आपका ऑफिस वाला वर्क है कहने का मतलब। तो जो भी काम मिलता है उसको आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा मतलब। इस तरीके से आप एग्जाम का प्रेशर तो आप धीरे धीरे करके अगर उसको स्टार्टिंग से तैयारी करोगे तो एंड में जाकर उतना आप पर प्रेशर नहीं होगा कहने का मतलब। तो आपको समय के महत्व को समझना है और समय के महत्व को समझते हुए जो भी आपके टास्क वगैरह होते हैं या प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं या जो भी आपको वर्क दिया रहता है आपको उसको पूरा करना है, और उसमें आपको अपने आप को अच्छा प्रूव करना है और हार्ड वर्क करते हुए मेहनत करते हुए और फोकस करते हुए कहने का मतलब। तो दोस्तों क्योंकि
इसलिए आप सभी को मैं इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश किया कि क्योंकि समय ही सबसे बड़ा बलवान है और आपको समय का सदुपयोग करते हुए लाइफ में कुछ बनना है तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। हार्डवर्क, फोकस, एफर्ट, पेशेंस एंड प्रैक्टिस, ये चार पांच रूल्स होते हैं किसी भी चीज़ में सक्सेस प्राप्त करने। तो इन चार पाँच चीज़ों को याद रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो कि समय ही सबसे बड़ा बलवान है आजकल के टाइम में। कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड।